दोस्तों किस तरह से आप मात्र 100 रुपए से 200 रुपए लगा के एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बल्क में पैसा जोड़ सकते हैं, वो भी ब्याज के साथ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान के ऊपर जिक्र करेंगे किस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बल्क में पैसा पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। सबसे पहले मैं आपको प्लान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों जिस प्लान का जिक्र कर रहा हूं मैं, वो है जी रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट मीन्स आरडी। आरडी में आप क्या कर सकते हैं, हर महीने एक फिक्स इनकम इन्वेस्ट करके बल्क में पैसा पा सकते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक के आरडी कैलकुलेटर को सबसे पहले ओपन करता हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आरडी कैलकुलेटर को ओपन किया है। मान लीजिए आप कम से कम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी 3 साल के लिए पहले। तो मैं क्या करता हूँ जी, सेविंग टर्म जो है वो 3 इयर्स करता हूँ और 0 मंथ, मतलब कि 3 साल के लिए। और जो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की है वो है जी नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं 3 साल की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको 5.60% के हिसाब से आरडी में जो ब्याज है वो मिलेगा। उसके बाद है जी मंथली डिपॉजिट। मंथली डिपॉजिट मैं शुरू करता हूं जी, मान लीजिए 1000 रुपए से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, 39,268 रुपीज। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 3000 की, तो 3000 के ऊपर आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी जी 1,17,804 रुपीज। और उसी तरह से अगर हम बात करें 6000 की, तो देखिए फ्रेंड्स 6000 के ऊपर आपको जो 3 साल बाद वैल्यू मिल जाएगी वो होगी जी 2,35,609 रुपीज। मतलब कि 6000 रुपये हर महीने जोड़ के आप जो बल्क में पैसा पा सकते हैं 3 साल बाद वो होगा जी 2,35,609 रुपये। ये तो रही बात नॉर्मल कैटेगरी की। तो अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। तो मैं वैल्यू सबसे पहले फिल करता हूं 1000। सीनियर सिटीजन में सेलेक्ट करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 6.10% हो गया। तो आप अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो अमाउंट बनेगी वो बन जाएगी 3 साल बाद 39,576 रुपीज। उसी तरह से अगर हम बात करें 3000 की, तो देखिए फ्रेंड्स 3000 के ऊपर आपको जो 3 साल बाद मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 1,18,728 रुपीज। सो लास्ट में बात करते हैं 6000 की। देखिए दोस्तों 6000 रुपये अगर आप महीना लगा लेते हैं तो आपकी जो टोटल सेविंग होगी वो होगी जी 2,37,456 रुपीज। सो दोस्तों अब आप इस प्लान को समझिए, 6000 रुपये महीना, मतलब के दिन के बने 200 रुपये। अगर आप 200 रुपये हर दिन 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी तरह से, तो आप देखिए बल्क में पैसा जोड़ सकते हैं 2,37,456 रुपये। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप बल्क में पैसा जोड़ सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कुछ ना पता चला हो तो आप यार हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।